चलिए ठीक है, बढ़िया। तो आज हम लोगों ने काफी दिनों बाद प्रॉपरली ह्यूमन वैल्यूज की क्लास शुरू करी है। अभी तक कितनी बात हुई है, क्या बात हुई है? ना उसको एक बार रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी बात करी हुई है कि जो कुछ भी हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट में वो प्रस्ताव के माध्यम से करेंगे, प्रपोजल के माध्यम से करेंगे, और इस प्रपोजल को मानना नहीं है, है ना? इसको आपको अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के देखना है, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांच के देखना है। नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब क्या, सहज स्वीकृति मतलब क्या, जिस चीज को आप सहज रूप से स्वीकार कर पाते हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपको सम्मान सहज रूप से स्वीकार है कि अपमान, है ना? तो इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको सहज रूप से क्या स्वीकार है। तो इसी तरह से कुछ आसान प्रश्नों के आसान उत्तर देके हम इन प्रस्तावों को जांच के देख सकते हैं, ठीक है? ये भी हमने बात की थी कि ये जो क्लासेस है, इस क्लास में जो भी हम प्रपोजल आपके सामने रखेंगे, जो भी बात आपके सामने रखेंगे, वो मेरे और आपके बीच में शुरू होगी कुछ प्रश्न के माध्यम से, कुछ उत्तर के माध्यम से, कुछ प्रपोजल के माध्यम से रखेंगे, और वो फिर धीरे धीरे आपके अंदर ही चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा विश्वास मेरा बनता है, ठीक है? और देखने जाए तो ये जो पूरी क्लास चल रही है, इसको हम लोग वर्कशॉप कहते हैं, तो ये जो पूरी वर्कशॉप चल रही है, इसका पूरा मकसद ही यही है कि ये जो संवाद है ना, अपनी सहज स्वीकृति का और ऐसी स्वीकृति का जो मुझको जानबूझ के या अनमने मन से करना पड़ता है ना, जो मैं बेमन से करने जाता हूँ, उसके बीच में एक बातचीत शुरू हो सके, तो ये पूरी वर्कशॉप उसी के सिलसिले में हम लोगों ने चलाना शुरू किया था। फिर इस वर्कशॉप को चलाने से पहले कुछ प्रश्नों को सामने हम आपके सामने हम लोगों ने रखा था। जैसे आपकी चाहना के बारे हम लोगों ने प्रश्न किया था कि क्या हम सुखी होना चाहते हैं, क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं, क्या हम ये सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं, है ना? तो इसका कुछ उत्तर निकल कर आया था, वो सारे उत्तर आपको बहुत अच्छे से पता है ना? उसके बाद हम लोगों ने इस इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, इसके आधार पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ बीइंग यानी हम लोगों के होना के हम लोगों ने बात किया। क्या पता चला? क्या हम सुखी हैं, है ना? क्या हम समृद्ध हैं? क्या हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता है? तो इसके भी प्रश्न की जवाब हम लोगों ने चर्चा किया था और उस पर किसी कंक्लूजन में पहुंच गए थे, है ना? तो यहाँ पे देखने जाए तो दो लेवल की बात हम लोगों ने कर ली थी। हम चाहते क्या है, इस तरफ हमारा चाहना लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा चाहना लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे हमारा होना लिखा हुआ है ना? अच्छा, हम जो चाहते हैं वैसे हैं कि नहीं है ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्रयास क्या कर रहे हैं इस पे भी प्रश्न हमारा उठना चाहिए। तो इस पे भी हम लोगों ने बात की कि जो हमारा प्रयास है वो सुख और समृद्धि के अर्थ में है कि सिर्फ सुविधा जुटाने के अर्थ में है, सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी को जुटा लेने के अर्थ में, कि घर बनवा लिया, गाड़ी बनवा लिया, खाना ढेर सारा अच्छा सा हो जाए, कपड़े ढेर सारे हो जाए, जूते ढेर सारे हो जाए, घड़ी ढेर सारी हो जाए, है ना? इस तरह के प्रश्नों को लेके चल रहे हैं कि हम एक्चुअल में जो हम चाहते हैं उसके आधार पे काम कर रहे हैं, है ना? तो इन इन प्रश्नों के साथ मैंने कुछ शुरुआत आप लोगों से की हुई थी। उसके बाद कुछ बेसिक प्रश्नों के साथ मैंने बात को आगे बढ़ाई थी, है ना? और पूछा था कि क्या सुविधा आवश्यक है, तो जवाब ही निकल कर आया था कि जी सुविधा आवश्यक है। ये सुविधा पशु के लिए भी आवश्यक है ना? कि पशु को जब सुविधा का अभाव होता है तो वो परेशान होता है ना? और सुविधा मिल जाती है तो वो आराम में आ जाता है। मनुष्य के बारे हम ऐसा ठीक ठीक नहीं कह सकते, ठीक ठीक कह नहीं सकते, मतलब कि जब मनुष्य को सुविधा का अभाव होता है तो परेशान और दुखी तो होता है ना? जैसे अभी आपका मोबाइल टूट जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, है ना? लेकिन जब वो मोबाइल रहता है, जब मोबाइल मिल जाता है, तब तब मोबाइल के बारे चिंता नहीं रहती, तब मैं 100 और चीजों के बारे में सोचना शुरू करता हूँ। जैसे है ना, आप स्वयं से ही इस चीज को पूछ के देख सकते हैं, क्या हम डेली इस बात पे खुश होते हैं कि हमको खाना मिल रहा है, हमको पेट भर भोजन मिल रहा है, क्या हमको क्या डेली खाना पा के हम इसको खुशी होती है? बल्कि देखने जाए तो कुछ मनुष्य हमको ऐसे दिखाई देते हैं जो सचमुच में जब उनको पेट भर भोजन मिल जाता है तो उनके लिए उत्सव का विषय होता है ना? तो ये प्रश्न हम लोग पूछ सकते हैं क्या, कि पशुओं को जब सुविधा का अभाव होता है तो परेशान होता है, मनुष्य को जब सुविधा का अभाव होता है तो वो भी परेशान होता है। पशु को सुविधा मिल जाती है, सुविधा मतलब जैसे उसको भूख लगी हुई है ना? तो पशु को भूख लगी है, उसको खाना मिल गया तो वो आराम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं होता। जब उसको सुविधा मिल जाती है तो कुछ और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि मनुष्य को सुविधा के अलावा भी और भी चीज चाहिए,
है ना, इसका ये कंक्लूजन निकला। तो यहाँ से क्या कंक्लूड निकल रहा है कि सुविधा आवश्यक है, मनुष्य को सुविधा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान वस्तुएं चाहिए, लेकिन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान वस्तुएं ही नहीं चाहिए, और भी चीज है जो हमको चाहिए। फिर हम लोगों ने अगले प्रश्न को रखा है ना, और जानने की कोशिश की कि हमारे और आपके परिवार में जो दुख है ना, वो दुख का कारण मेनली क्या है, सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है। तो हमारे सबके परिवारों में अलग अलग कारण हो सकता है, अलग अलग रीजन हो सकता है, तो वो आपने इसका भी उत्तर दिया था, इस पे भी हम लोग कहीं पहुंचे थे है ना, और एक कंक्लूजन तक हम लोग पहुंच के आए थे है ना। तो जो भी प्रश्न का इसका उत्तर निकल गया कि हमारे परिवार में जो भी दुख का कारण है वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह के न होने के कारण ज्यादा है, इसका जो भी उत्तर निकल कर आया था उस उत्तर को इस प्रश्न के साथ हम लोगों ने मैच करके देखा कि हम लोग सुविधा जुटाने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं और संबंध का निर्वाह करने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को कंक्लूड करके इसलिए देखना चाह था, इस प्रश्न को हम लोगों ने इसलिए रखने की कोशिश की थी ताकि ये समझ में आ जाए कि हमारे परिवारों में कुछ दुख जो है वो संबंध का निर्वाह न होने के कारण भी है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास या हमारा ज्यादातर प्रयास सिर्फ सुविधा जुटाने के अर्थ में ही है। अभी है ना कोई नाराज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अब नाराजगी उसकी पता नहीं किस बात पे है, हम उसको कुछ गिफ्ट देके मनाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखने जाए तो गिफ्ट देने से क्या हुआ है ना, ये जो झगड़ा हो रहा था ये कुछ देर के लिए क्या हुआ, टल गया। तो हम लोगों ने अल्टीमेटली इस बात को ये कंक्लूड किया कि मानव के लिए सुविधा भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है। तो इस बात पे कंक्लूजन पे पहुंचे जब शर्मा जी को फोन कर बताइए, मैं क्लास ले रहा हूँ, मार ये पढ़े हैं। तो इतने बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे कि मानव के लिए सुविधा आवश्यक है लेकिन संबंध भी आवश्यक है ना। इस तरफ भी ध्यान दिलाने के हम लोगों ने प्रयास किया था कि मानव और पशु के बीच में देखने जाए तो यही एक मूलभूत अंतर है ना, कि सुविधा पशु को भी चाहिए, सुविधा मनुष्य को भी। सुविधा मनुष्य को भी चाहिए, सुविधा पशु को भी चाहिए, लेकिन मनुष्य को सिर्फ सुविधा ही नहीं कंप्लीट करती है, मनुष्य के संबंध भी आवश्यक है ना। ये बात हम लोगों ने करी थी और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटा सा चार्ट है, ये आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपने नोट्स कॉपी पे बना सकते हैं है ना। क्या कि मानव के लिए संबंध भी आवश्यक है और सुविधा भी आवश्यक है ना। पशु के लिए देखने जाएं तो सुविधा आवश्यक भी है और उसको पूर्ण भी करती है, मनुष्य के लिए सुविधा आवश्यक तो है परंतु उसको पूर्ण नहीं करती। फिजिकल फैसिलिटी एक नेसेसिटी तो है ह्यूमन बीइंग के लिए लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं करती है। अब ध्यान से देखने जाएं हम अपने संबंधों में है ना, मम्मी पापा से नाराजगी हो जाती है, भाई बहनों से नाराजगी हो जाती है, दोस्तों साथियों से नाराजगी हो जाती है ना, फिर कसम खाते हैं कि नहीं नहीं है ना, इसका कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने जाते हैं, फिर रात में सोते हैं आराम में आ जाते हैं, फिर अगले दिन तय करते हैं अरे नहीं झगड़े में क्या रखा है ना, और फिर तय करते हैं कि नहीं नहीं इस संबंध को हम, इस रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने जाते हैं, फिर ठीक करने का प्रयास करते हैं, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है ना। अभी कोई यहाँ पे पूछे कि कोई छोटा सा बच्चा है ना, गणित के सवाल में बार बार गलती कर रहा है, अब टीचर उसको सजा दे रहा है, उसको बेंच पे खड़ा कर दे रहा है, बेंच पे खड़ा करने के बाद हाथ ऊपर उठवा के उससे कह रहा है कसम
कसम खाओ कि आज के बाद तुम गणित के सवाल में गलती नहीं करोगे, है ना? क्या लगता है, कसम खा लेने से गलती नहीं होगी क्या? तो ध्यान से देखने जाए तो प्रस्ताव के रूप में मैं यही बोल रहा हूँ, जिस तरीके से गणित के होने का एक नियम है, जिस तरीके से गाड़ी के होने का नियम है, जिस तरीके से प्रकृति में हर चीज के होने का नियम है, उसी तरीके से मानव के होने का भी एक नियम है ना? और कसम खा लेने से वो नियम नहीं समझ में आता है, उस नियम को समझने, उस नियम को अभ्यास करने से वो ठीक से आता है ना? तो देखने जाएंगे तो ये 5 मिनट में हम लोग उसी नियम के बारे में थोड़ा थोड़ा झलकियों पर हम लोग बात करने वाले। तो अभी तो ये बात कर रहे हैं कि ये नियम आवश्यक है कि नहीं है, हमारे जो हमारा चाहना है और जो हमारा होना है वो मैच नहीं कर रहा है, उससे लगता तो है कि भाई इम्पोर्टेंट तो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात करने के बाद फिर हम लोगों ने एक प्रश्न और आपके सामने रखा था कि आप में, आपके लिए इन तीनों में से कौन सा भय प्रमुख है? इन सब पशुओं का भय है कि प्राकृतिक आपदा का भय है कि मानव के अमानवीय व्यवहार का भय है? तो कुछ देर चर्चा हुई थी 5 मिनट, और इसका कंक्लूजन ये निकला था कि आजकल तो हिंसक पशुओं को मानव का भय ज्यादा है, मतलब हम लोगों ने शेर को पकड़ के पिंजरे में कैद कर दिया है, उसको हंटर से मार रहे हैं, उसको भूखा कर रहे हैं उसको, है ना? प्राकृतिक आपदा का देखने जाए तो उस पर भी मानव ने धीरे धीरे कंट्रोल पा लिया। प्राकृतिक आपदा आती तो है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान करके नहीं जा पाती, क्यों? हम मनुष्य ने उसका नियम समझ लिया हुआ है, भूकंप आता है तो क्या करना है ना, कोई टाइफून आता है तो क्या करना है, क्या आता है तो क्या करना है, अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है, सब पता चल गया। लेकिन मानव के मानवीय व्यवहार का भय जो है वो धीरे धीरे हमको ज्यादा चोटिल करता है। और ध्यान से देखने गए प्रश्न किया कि क्या पता चला कि भय धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब 2 मिनट पहले जो हम लोगों ने बात की थी, अब जरा उस बात को यहाँ से रिलेट करके देखिए। हम ये भी कह रहे हैं कि हम संबंध पूर्वक रहना चाहते हैं, है ना? उसके बाद यह भी कह रहे हैं कि हमको मानव के मानवीय व्यवहार का भी भय है। तो ये हम लोगों ने बात की थी। तो इतना सब होने के बाद भी, है ना, हम अपने मिजाज के देख सकते हैं कि जो हमने माना हुआ है कहीं वो समस्या तो नहीं है, जो हम लोगों को सिखा दिया गया कहीं वो समस्या तो नहीं है। कुछ ना कुछ कंक्लूड कर लेते हैं, कुछ होता है तो कुछ कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे आप अपने मिजाज के देखिए, आपकी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है या आपकी चाहना विरोध पूर्वक जीने की है? उसके बावजूद, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्लास में बेस्ट, मोहल्ले में बेस्ट, डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट, उसकी लड़ाई लड़ते देखते देखा जा सकता है बच्चों को, ये विरोध नहीं है तो क्या है? तो जांचेंगे, इसको जांच के देखेंगे कि बात ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो बात हुआ कि संबंध को ठीक ठीक से निर्वाह करने के लिए, सुविधा को ठीक ठीक से समझने के लिए हमको एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो है सही समझ। तो किसको कह रहे हैं सही समझ? मानव मानव संबंध में कुछ नियम है, उस नियम को अगर हम देख पाए, उस नियम को अगर हम पढ़ पाए, उस नियम को अगर हम अभ्यास कर पाए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? समझ, है ना? हमें कितनी आवश्यकता है ये हम देख पाए, उसको भाप पाए, उतना इकट्ठा कर पाए, उसको क्या बोल रहे हैं हम? समझ। दोनों ही चीजों पे, सुविधा और संबंध। अब अगर ध्यान से देखने जाएं, यहाँ पे आप लोग अपने चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके स्क्रीन पार्टिसिपेंट लिस्ट में दिए गए यस और नो के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लगता है, ये तीनों ही रिक्वायर्ड है कि इसमें से कुछ छोड़ा भी जा सकता है? अगर आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं है तो नो कर सकते हैं। बताइए, क्या ये तीनों ही आवश्यक है, हाँ या ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, अच्छी बात है। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मानव के लिए सुविधा आवश्यक है, फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मानव के लिए संबंध भी आवश्यक है, ठीक है? मैं ये भी कह रहा हूँ कि मानव ये देख तो पा रहा है कि सुविधा चाहिए, संबंध चाहिए, उसके बावजूद भी, सुविधा जुटाने के बावजूद भी बहुत सुखी नहीं है और संबंध भी ठीक ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैंने प्रस्ताव किया कि हमारे लिए समझ भी आवश्यक है। ये तीनों आवश्यक है कि नहीं है? काफी लोगों का जवाब आया है, काफी लोगों का जवाब नहीं भी आया है, जैसे दीपक, दीपक कुमार, प्रतीक, प्रियांशु,
सोनल, सुरेंद्र, इन लोग का जवाब नहीं भी आया है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। फिर इसकी हम लोगों ने एक प्रायोरिटी भी सेट कर ली थी, है ना, इस पर भी बात कर लिया था कि हम लोग इन तीनों पर ही काम कर रहे हैं कि सिर्फ सुविधा जुटाने पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया हुआ था। क्या प्रायोरिटी सेट किया था? 1, 2, 3। यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि सुविधा आवश्यक नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि संबंध आवश्यक नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि समझ आवश्यक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मानव के सुखी होने के लिए इन तीनों ही चीजों की आवश्यकता है, समझ, संबंध, सुविधा। मानव के सुखी होने के लिए तीनों ही चीजों की आवश्यकता है, समझ, संबंध, सुविधा। अब यहाँ पे देखने जाएं तो फिर हमने यहाँ पे प्रश्न किया भाई प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, है ना? ये ऐसा है कि जैसे पैर हो, पैर में मोजा पहना, मोजे के ऊपर जूता पहना, है ना? तो पैर आवश्यक है, मोजा भी आवश्यक है और जूता भी आवश्यक है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहले पैर हो, फिर पैर पे मोजा हो, मोजे के ऊपर जूता हो, तीनों ही मेरे लिए आवश्यक है। ये ऐसा है, इसको ऐसा समझा जा सकता है, समझ, संबंध और सुविधा। तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। अगर हम अपनी पहली प्रायोरिटी सुविधा को कर देते हैं, है ना, फिजिकल फैसिलिटी को अपनी सुविधा में लेकर आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सुविधा पशु के लिए भी प्रायोरिटी पे रहती है, ना? लेकिन जब मनुष्य के लिए सुविधा प्रायोरिटी पे चली जाती है तो कभी पूरी पूरी नहीं पड़ती है, ना? क्योंकि आप सुविधा के चक्कर में अगर खाली देखने जाते हैं तो सुविधा जुटा भी लेते हैं, है ना? एक बार क्या हुआ, हम लोग के टीचर हैं तो उनके मित्र हैं, है ना, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और काफी छोटी उम्र से बिजनेस शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे हमारे टीचर की जब थोड़ी ख्याति बढ़ने लगी तो उनके मित्र उनसे मिले, उन्होंने कहा कि सर आप सुने हैं कि क्लासेस लेते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं टीचर हूँ, क्लासेस लेता हूँ। क्या, नहीं नहीं सर, मैंने सुना है कि आप हैप्पीनेस की क्लासेस लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हैप्पीनेस की क्लासेस लेता हूँ। तो कहे कि सर हमको भी थोड़ा सा बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरी वर्कशॉप में आइए, 8 दिन की वर्कशॉप होती है, आप आइए, उसमें वहाँ पर हम लोग डिटेल में सुख के ऊपर बात करेंगे, हैप्पीनेस के ऊपर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं व्यापारी आदमी, मेरे पास कहाँ 8 दिन का समय है, आप तो मुझको 5 मिनट में बता दो। हमारे सर ने कहा कि नहीं नहीं भैया, ये 5 मिनट में बता पाने वाली बात नहीं है, उसको बताने में टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा अरे आप तो मेरे इतने अच्छे मित्र हो, है ना, आपकी इतनी ख्याति है, लोग आपकी क्लास करने के बाद उनके जीवन बदला चला जा रहा है, आप, है ना, उनका नजरिया बदला चला जा रहा है, आप मुझको 5 मिनट बता दो। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको ये पता है ना कि ये जो मैं क्लासेस लेता हूँ ये मैं अपने काम के अलावा लेता हूँ। तो कहा मुझको बिल्कुल पता है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है ना कि जो मेरी सैलरी आती है वो मैं टीचर हूँ उसकी आती है, लेकिन जो मैं वर्कशॉप लेता हूँ उसका मैं कोई पैसा नहीं लेता। तो उन्होंने कहा हाँ मुझको ये भी पता है। तो हमारे सर ने कहा कि भैया जब आपको ये बात पता है ना कि ये 8 दिन की बात जो मैं करता हूँ उसका मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ, कोई फीस नहीं लेता हूँ, तो अगर ये बात 5 मिनट में हो सकती तो मैं 8 दिन अपना शरीर क्यों खराब करता, 8 दिन अपना गला क्यों फाड़ता। तो व्यापारी साहब को बात तो थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई फिर भी यार आप हमको यार 5 मिनट बताने की कोशिश करो। तो हमारे सर ने कहा कि अच्छा फिर से प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे। तो व्यापारी ने बोला कि मेरे पिताजी का छोटा मोटा बिजनेस था और मैं भी शुरू से बिजनेसमैन ही बनना चाहता था, मैं भी व्यापारी ही बनना चाहता था। तो हमारे सर ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप व्यापारी बने।
उन्होंने कहा, अरे आपको तो पता ही है मैं बिल्कुल व्यापारी बन गया। तो कहे कि अच्छा, व्यापारी बनने के टाइम पे कुछ अपने लिए लक्ष्य वक्ष्य सेट किया था, कुछ अपने लिए टारगेट सेट किया था? तो कहा हाँ, टारगेट सेट किया था, मैंने सोचा था कि मैं इतना लाख का टर्नओवर करूंगा। तो उनका, बहुत अच्छी बात है, तो वो लक्ष्य आपका पूरा हो गया कि नहीं हो गया? तो उन्होंने कहा कि, व्यापारी जो थे उन्होंने कहा कि भैया, जो मेरा लक्ष्य था ये तो मेरे व्यापारी बनने के 3 साल के अंदर ही पूरा हो गया था। कहा तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत खुश हो गए। कहा हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तब हमारे सर ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि जब आप कहीं जाते हैं और अपने से बड़ा व्यापारी देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो व्यापारी को थोड़ा सा लगा, तो उन्होंने कहा कि सर, अंदर से कुछ हिलता है ना, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है। अब जरा इस बात को, ये जो कंक्लूजन वहां पे निकल कर आया, उन्होंने इस बात को पकड़ा और कहा कि ये जो हिलता है ना, ये जो कॉन्फिडेंस आपका लो होता है ना, ये ना हो, इसके लिए 8 दिन इस बात को करना बहुत जरूरी है। अब इस कहानी को हम आप अपने लाइफ में डाल के देख सकते हैं, है ना? जैसे मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं ये देखने लग जाऊँ कि अरे यार, बगल वाले के पास एक कार है, मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास भी कार हो जाए, है ना? अब अगर मैंने बाहर रेफरेंस सेट कर लिया, और उस बाहर के रेफरेंस को सेट करने के बाद, है ना, बाहर के रेफरेंस को सेट करने के बाद मैंने अपने लिए कार ले ली, तो अब समस्या क्या रहेगी? हमेशा वो रेफरेंस बाहर ही सेट रहेगा, हमेशा वो रेफरेंस सुविधा के रूप में ही रहेगा। जहीं मेरे पड़ोसी ने मुझसे बड़ी कार ली, तो मेरे मन में इच्छा आएगी कि मैं भी उससे बड़ी कार ले लूं। तो सुविधा को प्रायोरिटी पे रखने का ये दूसरी समस्या है। पहली समस्या क्या है? पहली समस्या ये है कि ये एनिमल्स को तो कंप्लीट करती है सुविधा, मानव के लिए भी आवश्यक है, लेकिन मानव को कंप्लीट नहीं करते। मानव को कंप्लीट तो संबंध और उसकी समझ करते हैं। तो सुविधा सुविधा जुटाने के पीछे भागम भाग मची पड़ी है, संबंध दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझ आ नहीं रहा, तो खुद भी दुखी हो रहे हैं, दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं। और सुविधा जुटाने की हाहे मची हुई है, तो किसी भी कीमत पे सुविधा जुटानी है, दूसरे का शोषण कर रहे हैं। और अगर हम आसपास देखने जाएं, तो चूंकि हम लोगों ने अपना ये जो टारगेट है, ये सुविधा को, फिजिकल फैसिलिटी को सेट करके रखा हुआ है, इसलिए हम अपने आसपास दुखी और शोषित लोगों को देख पाते हैं। ठीक बात है ये बात, चूंकि ये सेट हुआ है, सुविधा सेट हुई है, फिजिकल फैसिलिटी सेट हो गई है नंबर एक पे, इसलिए हमको अभी दो तरीके के लोग दिखाई देते हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र और सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। यानी सुविधा हो गई है, फिर भी दुखी दरिद्र बने हुए हैं। और अभी प्रश्न करेंगे तो हर मनुष्य होना ऐसा चाहता है, हर मनुष्य चाहता है कि वो सुविधा संपन्न और सुखी समृद्ध हो जाए, है ना? अब तो जो एजुकेशन है ना, जिसके लिए हम लोग ये 20-20 साल, 22-22 साल तक लगातार पैसे देते रहते हैं, लगातार स्कूल जाते हैं, है ना, टीचरों के डांट खाते हैं, मार खाते हैं, वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ हमको 0.1 से उठा के 0.2 पे डाल दे, बल्कि होना हम कैसा चाहते हैं? 0.3 पे। ये हम सब जांच के देख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रस्ताव रूपी ये सारी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, है ना? इसको जांच के देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने कर ली थी, तो इसको जांच के देखिए कि अभी हम कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा अपनी चैट स्क्रीन पे जाके जरा ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ ले, है ना, कि अपने में जांच कर देखें अभी हम कहाँ हैं 1, 2 या 3 में, और कहाँ होना चाहते हैं। तो मुझको इस बात का प्रश्न चाहिए, कहाँ होना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने चैट बॉक्स में जाके इस चीज का उत्तर लिखें, 1, 2 या 3, बताइए। हम कहाँ होना चाहते हैं, 1, 2 या 3, अपने चैट बॉक्स में जाके लिखिए। बढ़िया, रवि ने जवाब दिया, अमन ने जवाब दिया, अभिषेक मौर्या ने जवाब दिया, दीपक मौर्या ने जवाब दिया, दीपक कुमार ने जवाब दिया, अमीशा ने जवाब दिया, अनिकेत ने जवाब दिया, दीपक गुप्ता ने जवाब दिया, रोहित ने जवाब दिया, दीपक चौहान ने जवाब दिया, अनिकेत, रवि, विकास, प्रतीक राजभर,
सूर्य प्रकाश, राहुल विश्वकर्मा, प्रज्ञानंद, ठीक है, हम सबका जवाब 3 है ना। अब प्रयास क्या हो रहा है 1 से 2 जाने का, बस ये जांच के देख सकते हैं हमारा प्रयास क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों ही चीजें हमारे लिए आवश्यक है और ये प्रायोरिटी हो सकती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जब ऐसी प्रायोरिटी बनती है तो सही समझ के साथ जब व्यक्ति मानव मानव संबंध में जाता है ना, मानव के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो भी सुखी होता है, सामने वाला भी सुखी होता है। यानी अगर आप में समझ है तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? कि सम्मान मुझको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं है। तो सम्मान मुझको सहज रूप से स्वीकार है, मैं भी मानव हूँ। अब मैं जब दूसरे मानव के साथ इंटरेक्शन करने जाता हूँ, दूसरे मानव से बातचीत करने जाता हूँ, तो ये प्रश्न अपने आप मुझको इसका उत्तर मिल जाता है कि ये भी मानव है, इसको भी सम्मान सहज रूप से स्वीकार होगा। तो जब इस समझ के साथ मैं मानव मानव संबंध में उतरते जाता हूँ, तो मैं दूसरे के साथ भी सम्मान के साथ ही प्रस्तुत होता हूँ। तो चूंकि समझ के साथ सम्मान के साथ प्रस्तुत हुआ, तो मैं भी सुखी और सामने वाला भी सुखी। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझ पर विश्वास करें, दूसरा भी चाहता है कि लोग उसके ऊपर विश्वास करें। जब मैं किसी व्यक्ति के साथ विश्वास के साथ प्रस्तुत होता हूँ, तो मैं भी सुखी होता हूँ, सामने वाला भी सुखी होता है। उसी तरीके से जब मैं समझ के साथ है ना शेष प्रकृति के ऊपर कार्य करता हूँ, जब मैं समझ के साथ शेष प्रकृति के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि प्रकृति में पहले से ही समृद्धि बनी हुई है और मैं समझदार हूँ, मैं अपनी आवश्यकता देख पाता हूँ, तो मैं भी प्रकृति से उतना ही लेता हूँ जितना आवश्यक होता है और उतना ही दे भी पाता हूँ। जैसे एक सर्वे है, एक सर्च है, एक रिसर्च है, उसने बताया कि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में 5 एडल्ट पेड़ों का लकड़ी का इस्तेमाल कर लेता है, 5 एडल्ट पेड़ों का इस्तेमाल कर लेता है ना। अब ये बात अगर हम कैलकुलेट कर पाए है ना, और प्रकृति में वापस 6ठा पौधा लगा दे, यानी 6 पौधे हम लोग लगा दे, तो ये तो निश्चित कर दिया ना कि भाई हमने जितना लिया था प्रकृति से वो हम दे पाए। जैसे हमको कहीं जाना है, जैसे मैं कॉलेज आता हूँ, ठीक है, कॉलेज आने में 20 मिनट लगा, जाने में 20 मिनट लगा, 1 घंटा खरीदारी में लगा है ना, 2 घंटा कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए लगा, तो मुझे 3-4 घंटे के लिए स्कूटी की जरूरत होती है, वो स्कूटी खरीद ली, तो मैंने उस स्कूटी को अपने लिए 24 घंटे उपलब्ध करा लिया। तो मुझको ये दिख जाए कि भाई मेरी आवश्यकता थी वो मैंने पूरी कर ली, तो फिर उसकी हाय हाय नहीं मची रहती, तो फिर मैं प्रकृति का शोषण भी नहीं करता, जबरदस्ती चीजें नहीं मांगूंगा, तो चीजें कहाँ से आएंगी, प्रकृति से तो निकल के आती। तो ये हम देख सकते हैं कि मेरे और पशु के बीच में ये एक मूलभूत अंतर है। और जब मैं अपने आप को कंप्लीट रूप में देख पाऊं, तो ये भी देख पाता हूँ कि मुझको समझ, संबंध और सुविधा तीनों की आवश्यकता है। ये तीनों ही चीजें मुझे सुखी बना सकती है, निरंतरता में सुखी बना सकती है। सिर्फ सुविधा हमको सुखी नहीं कर सकती, सिर्फ संबंध हमको सुखी नहीं कर सकता, समझ के साथ संबंध, समझ के साथ सुविधा। तो जो ऐसा जीना है ना, जिसमें सिर्फ सुविधा को प्रायोरिटी दी हुई है ना, तो इसको क्या बोला, पशु चेतना। और ऐसा जीना जिसमें तीनों को सही ऑर्डर में, सही प्रायोरिटी में रखा हुआ है, इसको कहा मानव चेतना। तो ये आपके एग्जाम में भी आता है ना, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस हेडिंग डाल के यही 3 डब्बे और 1 गोला बना सकते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि डिब्बों में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, समझ, संबंध, सुविधा। इसको क्या बोला, मानव चेतना। सिर्फ सुविधा के लिए जी रहे हैं तो जीव चेतना, पशु चेतना। अभी देखने जाए तो पशु चेतना कोई बुरी चीज नहीं है, है ना, लेकिन ये पशु के लिए ठीक है। एक मानव जो पशु चेतना में जीता है, एक मानव जो जीव चेतना में जीता है, वो पशु से बुरा जीता है। तो ये यात्रा होनी है पूरी, इसको हम लोग विकास कह रहे हैं।
एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, ध्यान से देखने जाओ तो इसी में पैदा होता है ना। भूख लगती है तो रोता है ना, खाना मिल जाता है तो आराम में आ जाता है, सोने लग जाता है। वो मानव जब धीरे धीरे बड़ा होता है, विकास किसको कहेंगे, इसी को तो कहेंगे, वो समझ पाए, संबंध को देख पाए, प्रकृति के साथ उसका क्या संबंध है उसको भी देख पाए, क्या बोला उसको समझ। तो पशु चेतना से मानव चेतना की ये जो यात्रा है, इसको ही क्या बोला, विकास, प्रोग्रेस। इसको विकास कह सकते हैं, ये विकास हम सबको चाहिए, है ना। तो देखने वाली चीज है कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। पता चला इसी जीव चेतना में पैदा हुए थे और जीव चेतना में फंसे हुए हैं, सिर्फ सुविधा जुटाने के लिए हाय हाय करते चले जा रहे हैं। समझ पे भी काम होना है, समझ के साथ संबंध पे भी काम होना है, समझ के साथ सुविधा के लिए भी काम होना है। अब अभी ध्यान से देखने जाएं तो ये जो 20-22 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, एक 2.5 साल का बच्चा एडमिशन ले लेता है, 3 साल का बच्चा एडमिशन ले लेता है ना, और 21-22 साल की उम्र में जाके ग्रेजुएट हो जाता है। अभी हम सब लोग सेकेंड ईयर में हैं, है ना, हाँ, मतलब मैं तो नहीं हूँ लेकिन मैं भी कभी था, है ना। तो वोट करने की काबिलियत मिली हुई है हम लोग, है ना, क्वालिफाइड है। 2 साल बाद हम लोग का ख़त्म हो जाएगा ग्रेजुएशन, तो कम से कम 20-21 के तो ही जाएंगे, यानी 3 साल में एजुकेशन में घुसे और 20-21 साल तक एजुकेशन ले रहे हैं। इसके आगे भी ले सकते हैं, इतना तो लेता ही आदमी, ग्रेजुएशन तक तो लेता ही, क्या इसी में अटके रहने के लिए लेता है, सिर्फ सुविधा में अटके रहने के लिए लेता है क्या, सुखी होने के लिए लेता है, समृद्ध होने के लिए 18 साल अपने जीवन का लगाता है, उसको क्या बोला एजुकेशन। क्या लगता है ये एजुकेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं, शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं, कि ये विकास हो सके जीव चेतना से मानव चेतना। अगर आपको लगता है कि ये एजुकेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए तो आप अपने पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाके यस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप नो कर सकते हैं। बताइए, अभी तक 7 यस आए हैं मेरे पास, अभी तक एक भी नो नहीं आया, 8 यस हो चुके हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा, 9 यस, 11 यस, अच्छी बात है, 12। क्या माना जाए, सिर्फ जिन लोगों ने यस किया है वही लोग बात सुन रहे हैं, बाकी नहीं सुन रहा है कोई, और भी लोग बताइए। क्या जीव चेतना से मानव चेतना के बीच में ये जो यात्रा होनी है, इसके लिए एजुकेशन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर लगता है लेनी चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, लगता है नहीं एजुकेशन की जिम्मेदारी नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो याद करिए पहले दिन जो मैंने आपसे मूल प्रश्न किया था, है ना, 2 मूल प्रश्नों के साथ हम चल रहे हैं, एक ये कि मानव चाहता क्या है और दूसरा एजुकेशन की जिम्मेदारी क्या है। तो द रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार इज टू एनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय वे ऑफ इंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू लिव विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। शिक्षा की भूमिका है मानव में मानवीय चेतना से जीने की योग्यता विकसित हो सके, मानवीय चेतना से जीने की योग्यता विकसित हो सके। उस योग्यता को विकसित कराने के लिए ध्यान से देखने जाएं तो एजुकेशन को 3 लेवल पे काम करना है, है ना। पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है हर बच्चे के अंदर सही समझ आ जाए, ये पहला काम है एजुकेशन का। दूसरा काम क्या है? संबंध में जीना हर बच्चा सीख पाए। संबंध में जीना किसे कहते हैं? संबंध में कुछ भाव होते हैं, है ना, और सिर्फ मानव के साथ ही नहीं प्रकृति के साथ, लेकिन पहले मानव के साथ तो समझ ही जाए, तो हर बच्चा समझदार हो सके, पहली बात। हर बच्चे में इसकी क्षमता विकसित हो सके कि वो दूसरे मानव के साथ संबंध में रह सके, अच्छे से रह सके। और तीसरी जो जिम्मेदारी है एजुकेशन की, उसकी 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है
कि हर बच्चा पहचान सके कि उसको कितनी सुविधा की आवश्यकता है, आइडेंटिफाई कर सके हर बच्चा अपनी नीड के आधार पर। जो ठंडी जगहों पर रहते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो गर्म जगह पर रहते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से उसकी नीड हो सकती है, जो जिस तरह के लोगों के साथ रहता है उसकी नीड हो सकती है ना, अगल बगल देख के नहीं, अपने से पहचान सके कि उसको कितनी सुविधा की आवश्यकता है। और दूसरा, इस सुविधा को कैसे जुटाना है उसकी प्रॉपर स्किल भी एजुकेशन दे सके। तो अभी ध्यान से देखने जाएं तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला स्किल देने वाला पोर्शन, ये एजुकेशन सिर्फ कर रहा है, सिर्फ इतना काम हो रहा है। अभी ये काम नहीं हो रहा है, ये काम भी नहीं हो रहा है, ये काम भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये काम हो रहा है, ये वाला स्किल वाला। तो एक प्रश्न के साथ मैं आप लोग को छोड़े जा रहा हूं, है ना, उस प्रश्न पे आप थोड़ा सा आज ध्यान लगाइएगा। प्रश्न ये है कि इन दो प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आवश्यक है, मतलब आवश्यक तो दोनों ही है, प्रायोरिटी पे कौन सा होना चाहिए। पहला प्रश्न है क्या करना है, क्या करना है और दूसरा कैसे करना है। तो इसमें से कौन सा प्रश्न प्रायोरिटी पे होगा ये आप लोग अपने अंदर चलाइएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। एग्जांपल ये है कि भूख लगती है तो क्या करना है, खाना खाना है, है ना। अभी भूख कैसे मिटाना है तो उसको मिटाने का कई तरीका हो सकता है ना। अंडा खा के भूख मिटा सकते हैं, चाउमीन खा के भूख मिटा सकते हैं, उसमें बहुत वैरायटी है। लेकिन क्या करना है, शरीर का पोषण करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग इस क्लास में पूरे सब्र के साथ जुटे रहें और कम से कम आधे से ज्यादा लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी से बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।